ओ मितू, तू पेपर्स लेने आई थी ना, अब ये क्या कर रही है सब? ओहो, पेपर्स तो मिल गए। और ये देखो ना, कितनी सोनी सोनी साड़ियाँ हैं। राम प्रिया को इतनी अच्छी डिजाइनर साड़ी लेके देता है, आपने तो मुझे आज तक नहीं लेके दी। अरे इस माहौल में भी तुम्हें साड़ियों की पड़ी है। रख अंदर जल्दी, कोई आ जाएगा। रख। अच्छा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि राम प्रिया के खिलाफ बोल रहा है। ज्यादा यकीन करो भी मत, 2 मिनट में राम पलट सकता है। ऐसा प्यार है उन दोनों में। नंदू इतना बढ़िया ड्रामा कर रही है ना, नीचे सारा मिस हो जा रहा है। रख। वो फाइल कितने है? वो डोर में है, फर्स्ट फाइल। अच्छा। हाँ सही है। यू नो प्रिया, मैं कितनी खुश थी कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो, एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हो। एक माँ को और क्या चाहिए अपने बेटे के लिए? पर मॉम, अब भी कुछ नहीं बदला है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने बस सच बताने में थोड़ा वक्त लगा दिया और मेरा सच छुपाने का कोई इंटेंशन नहीं था। छोड़ो ये सब बातें। ठीक है प्रिया, जो तुम कह रही हो मैं मान लेती हूँ इस बार। रामाज वीरेंद्र का बर्थडे है, हम वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि मुहूर्त निकलने से पहले हमें पूजा कर लेनी चाहिए, है ना? Yeah. चलो शुभ। मैं मानता हूँ प्रिया, तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें हक देता हूँ कि आइंदा से अगर ऐसी कोई बात हुई, मुझे चुप करा के मुझे बता देना। मिस्टर कपूर, आप अब भी नाराज हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहती थी। कृष्ण ने बताया मुझे। मैं बस चाहती थी कि एक बार 100% श्योर हो जाऊं और उसके बाद आपको। I'm sorry प्रिया, ऐसे अचानक से बात आई कि मैं एकदम बौखला गया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम साथ हैं तो इस मुश्किल का भी हल निकाल लेंगे। शुभू, वीरेंद्र के फोटो से कपड़ा हटाओ। मैं बस बहुत घबरा गई थी, सारा दी और ईशान के लिए। ये फोटो ही? ये मेरे डैड और पीछे वो गाड़ी जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था, मेरे डैड की मुझे दी हुई आखिरी गिफ्ट। इसी गाड़ी में मेरे डैड ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। मैं एक मिनट। क्या हुआ फिर? बेटा जी, जो तुम छुपाने जा रही हो ना, वो यहाँ है। मितू, ये नंबर प्लेट यहाँ क्या कर रही है? जंग खा रही है और क्या कर रही है? कि कुछ भी नहीं, ध्यान से देख। ये वीरेंद्र भाई साहब की उसी गाड़ी की नंबर प्लेट है जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद पुलिस को ये नंबर प्लेट नहीं मिली थी, तो ये नंबर प्लेट यहाँ। हाँ, ये प्रिया के सामान में क्या कर रही है? प्रिया, प्रिया, नंदू को मैसेज करता। तुझे पता नहीं कि यहाँ मुझे क्या मिला। वीरेंद्र भाई साहब की गाड़ी की नंबर प्लेट, व्हाट? उसे लेकर नीचे आओ, पर जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक सामने मत लाना। छुपा के लेके जाओ, छुपा के। चल 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 चल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.